गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, अब तक हमने अपने इंग्लिश फर्स्ट के लेसन 6 का पार्ट फर्स्ट कंप्लीट किया है, जिसमें हमने उस चैप्टर के बारे में जाना था। हमारा चैप्टर कौन सा है? द दशहरा फेस्टिवल, यानी दशहरा जो त्यौहार है उसके बारे में हमने पढ़ना शुरू किया। और पिछले कॉलम्स में हमने सबसे पहले उसकी ग्लोसरी को पढ़ा। ग्लोसरी को बार बार पढ़ने और समझने से हमें इस चैप्टर को पढ़ने में आसानी होगी। आज हम इसी चैप्टर का पार्ट सेकंड अपने 24वें कॉलम्स में पढ़ने जा रहे हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। द दशहरा फेस्टिवल, यानी दशहरा त्यौहार। हमारे भारत में कई प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं, कई तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं, जैसे दीपावली, होली, रक्षाबंधन। उनमें से दशहरा भी एक बड़ा त्यौहार है ना, बड़ा फेस्टिवल है। ओके, यहाँ कुछ 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं, पॉइंट्स हैं, हम उन्हें पढ़ते हैं। विच फेस्टिवल डू यू सेलिब्रेट, आप कौन से त्यौहार मनाते हैं? विच फेस्टिवल्स डू यू सेलिब्रेट, यानी आपसे पूछा जा रहा है कि आप कौन कौन से त्यौहार मनाते हैं। तो अभी मैंने बताया ये होली, दीपावली, रक्षाबंधन, दशहरा है ना, गणगौर, इस प्रकार के मेले और त्यौहार हम खूब मनाते हैं। नेक्स्ट है, विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एज विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल। अब विच यानी कौन सा फेस्टिवल यानी त्यौहार, इज यानी है, सेलिब्रेटेड मनाया जाता, एज विक्ट्री यानी जीतना, विजय प्राप्त करना है ना, विजय, ऑफ गुड यानी अच्छाई, ओवर एविल यानी बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? यस, सबको पता है ना, दशहरा। कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? दशहरा। नेक्स्ट एंड लास्ट है हमारा, ऑन विच फेस्टिवल डू यू वी बर्न एफिजेस और पुतलास। अब इसमें फिर से पूछा जा रहा है कौन से त्यौहार पर हम बर्न यानी जलाना, एफिजेस यानी पुतले है ना, ये जो आपके सामने दिख रहे हैं ना पुतले, इस प्रकार के पुतले बने हुए होते हैं ना, उन्हें हम कौन से त्यौहार पर जलाते हैं? तो कौन सा त्यौहार है वो? यस, दशहरा है ना, दशहरा फेस्टिवल है ना हमारा। लेट्स रीड व्हाई वी सेलिब्रेट दशहरा। चलो अब हम पढ़ते हैं कि हम दशहरा क्यों मनाते हैं, वाई यानी क्यों। व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड इट, क्या कहानी है इसके पीछे, ये भी जान लेते हैं। लगभग सभी बच्चों को पता होगा हम दशहरा क्यों मनाते हैं, इसके पीछे क्या कहानी है ना। देखिए, इन इंडिया मैनी फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड विद ग्रेट जील। भारत में कई तरह के त्यौहार, मैनी फेस्टिवल्स यानी कई प्रकार के त्यौहार सेलिब्रेटेड मनाए जाते हैं, विद यानी साथ में, ग्रेट यानी महान, बहुत बड़े, जील यानी उत्साह, यानी बहुत ही उत्साह के साथ भारत में कई तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं। दशहरा इज वन ऑफ देम, दशहरा जो है उनमें से एक है ना, उनमें से एक है। फिर है हमारा, वन मिनट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड विजयदशमी, इसे विजयदशमी भी कहते हैं है ना, इसे कौन सा त्यौहार भी कहते हैं? विजयदशमी भी। अकॉर्डिंग टू हिंदू, यानी हिंदू के अनुसार, अब क्या है हिंदू हम नेक्स्ट पेज पे देखेंगे है ना, यस, क्या है? कैलेंडर, क्या लिखा हुआ है? कैलेंडर। दशहरा अकर्स ऑन द 10th डे ऑफ आश्विन मंथ शुक्ल पक्ष, जो है हिंदू कैलेंडर के अनुसार, हिंदू पंचांग के अनुसार, अकॉर्डिंग यानी के अनुसार, दशहरा अकर्स ऑन द, दशहरा आता है 10th डे यानी 10वें दिन ऑफ आश्विन मंथ यानी आशोज के महीने में, शुक्ल पक्ष में, जो आशोज का महीना होता है उस शुक्ल पक्ष में दशहरा मनाया जाता है।
मतलब आशोज के 10वें दिन शुक्ल पक्ष में लगते ही क्या होता है, उसका दशहरा त्यौहार मनाया जाता है। ऑन दिस डे लॉर्ड राम गॉट विक्ट्री ओवर रावण द किंग ऑफ लंका। जो है इस दिन श्री राम ने, भगवान राम ने, लॉर्ड राम यानी भगवान राम गॉट यानी प्राप्त की विक्ट्री यानी विजय, ओवर रावण यानी रावण के ऊपर विजय प्राप्त की। द किंग ऑफ लंका जो कि क्या था, लंका का राजा था, है ना। ही किडनेप्ड राम्स वाइफ सीता एंड टुक हर टू लंका। उसने क्या किया था, रावण ने, जो लंका का राजा था, उसने किडनेप्ड किया यानी अपहरण किया, किसी को जबरदस्ती उठा के ले जाना, उसकी बिना मर्जी के उसको रखना अपने पास, किडनैप करना होता है। राम्स वाइफ यानी राम की पत्नी कौन थी, सीता, एंड टू खर और उसे ले गया टू लंका, लंका के लिए यानी वो लंका लेकर चला गया। दिस लेड टू अ फायर्स बैटल बिटवीन राम एंड रावण विच एंडेड विद द डिफिट ऑफ रावण एंड हिज आर्मी। जो है ये क्या था, एक बहुत ही भयानक युद्ध था एक तरह का, है ना, राम और रावण के बीच में एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ और अंत में रावण की जो सेना थी हार गई थी और राम विजयी हुए थे। दशहरा इज सेलिब्रेटेड इन ऑनर ऑफ राम्स विक्ट्री। दशहरा मनाया जाता है राम की जीत के सम्मान के रूप में, है ना। इट मैनी पार्ट्स ऑफ रामलीला सॉरी इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया रामलीला इज ऑर्गेनाइज्ड ड्यूरिंग नवरात्रि फ्रॉम आश्विन शुक्ल प्रतिपदा टू दशमी। यानी इस दिन जो है क्या होता है, इसमें क्या है, भारत के कई हिस्सों में, इन मैनी पार्ट्स यानी भारत के कई हिस्सों में रामलीला ऑर्गेनाइज्ड यानी आयोजित की जाती है ड्यूरिंग नवरात्रि के दौरान। कब की जाती है, ड्यूरिंग यानी दौरान, नवरात्रि यानी नवरात्रि के दौरान, नौरते जब चलते ना उस समय आश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा टू दशमी यानी आश्विन शुक्ल पक्ष से लेके दशमी तक ये आयोजन चलता है रामलीला का। ओके स्टूडेंट्स, अभी हम आज यहीं तक पढ़ेंगे, नेक्स्ट कालांश में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। नाउ एक्सरसाइज टाइम, एक्टिविटी फर्स्ट, हमारी क्वेश्चन आंसर करने हैं। एक्टिविटी फर्स्ट का क्वेश्चन ए, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव यानी सही ऑप्शन, सही उत्तर हमें ढूंढना है। विच फेस्टिवल इज ऑल्सो कॉल्ड विजयदशमी, कौन सा त्यौहार है जिसे विजयदशमी भी कहा जाता है, दीपावली, होली, दशहरा, राखी। अभी अभी हमने पढ़ा था कौन से त्यौहार को विजयदशमी का त्यौहार भी कहते हैं, यस दशहरा। सो क्या होगा हमारा, सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन टू, दशहरा इज द फेस्टिवल ऑफ, दशहरा त्यौहार है किसका, विक्ट्री ऑफ गुड अच्छाई की जीत का, विक्ट्री ऑफ एविल बुराई की जीत का, विक्ट्री ऑफ इमोरल अनैतिकता की जीत का, विक्ट्री ऑफ राक्षसास राक्षसों की जीत का। नो ऑप्शन क्या है हमारा, ए विक्ट्री ऑफ गुड यानी अच्छाई की जीत का, यस। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग मी।